कर दूं उसको, जैसे हम अपनी वीडियो में क्वैकरी के अगेंस्ट जरूर अवेयरनेस डालते हैं, ऐसे ही हम कोई भी विद्यार्थी कहीं का भी हो, जैसे इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसको कहते हैं कि क्रॉसपैथी मत करो। क्रॉसपैथी क्या होती है? क्रॉसपैथी का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में घुस रहे हो। मान लीजिए MBBS आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है तो क्वैक है, उसको भी क्वैक कहा जाएगा। अगर वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है MBBS का तो भी क्वैक है। और ऐसे ही दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर, मान लो EH प्रैक्टिशनर, इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर, अगर एलोपैथी करता है धूम धड़ाके से MBBS की तरह, तो नेचुरली उससे उसकी रेड हो सकती है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ऐसे ही आयुर्वेदिक वाला अगर उसके स्टेट में कुछ दवाओं को छोड़ के अगर कोई रेजोल्यूशन या कोई सर्कुलर नहीं आया, अगर वो धूम धड़ाके से अगर वो भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, तो नेचुरली वो मांगा जाएगा कि आप क्या MCI से, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है, उससे रजिस्टर्ड हो। अब आयुर्वेदिक वाला मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, वो तो आयुष डिपार्टमेंट से होगा। ऐसे होम्योपैथी वाला भी आयुष से होगा, होम्योपैथी काउंसिल से होगा, एलोपैथी वाला मेडिकल काउंसिल जो स्टेट की है उससे होगा, और अल्टीमेटली सेंट्रल जो बन रही है NMC नेशनल मेडिकल कमीशन से होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी का कोई एक्ट नहीं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई एक्ट नहीं है, तो UP हो, बिहार हो, कहीं भी हो, तो इलेक्ट्रोपैथी की अभी एक्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। मगर अगर कोई कंप्लेंट डाल दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले या अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले भी बहुत एलोपैथी से धूम धड़ाके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे एलोपैथी में प्रैक्टिस, तो कोई गुंजाइश नहीं उनकी चेकिंग रेड की। देखिए, किसी भी बंदे पे रेड पड़ सकती है, अगर वो अग्नि परीक्षा से निकल जाता है, अग्नि परीक्षा का मतलब है कि अगर उससे एलोपैथी दवा नहीं निकलती तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जनपद में आजकल सहारनपुर में, हमारे पास पत्र है, हमारे एक विद्यार्थी ने भेजा है, तो कहीं इलेक्ट्रोपैथी वाला अगर खुल के प्रैक्टिस कर रहा है एलोपैथी में, कोई इमरजेंसी दवा को छोड़ के भी कर रहा है, तो नेचुरली एलोपैथी में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मेडिकल काउंसिल अपनी स्टेट से रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि आप MBBS हो गए तो ही, या आपके अंडर MBBS कोई लगा हो उस क्लिनिक में, वो होल टाइम एम्प्लाई हो, फिर तो बात बनती है कि एक BEMS वाले ने आगे MBBS रखा हुआ है, MBBS वाला होल टाइम क्वालिफाइड पर्सन इंचार्ज है, उसका कैबिन अलग, दूसरे का अलग। तो यहाँ पे हमारे पास जो 9/1/23 का पत्र मिला है, मगर रिलायबल सोर्स नहीं है, उसमें अंकित है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक इलेक्ट्रोपैथी पद्धति के साथ साथ एलोपैथी का औषधियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब ये औषधियाँ कौन सी होंगी? CMACD वाली नहीं, अब CMACD वाली तो OTC या ऑन दी काउंटर, ये वो होगी जो शेड्यूल H है, जो एक MBBS अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन तथा जनपदीय पंजीयन की जांच हेतु निर्देश दिया गया UP में, सहारनपुर में, ऐसा पत्र हमारे पास है, ये देखिए। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, आपने मान लो दिवाली मनानी है, अब दिवाली जो है एक फुलझड़ी से भी मनाई जाती है, दिया जलाने से भी, और पूरे के बम पटाखों से भी चलाती है। जब एलोपैथी का जिक्र करते हैं तो उसमें से कई तरह की शेड्यूल, कई तरह की लिस्ट ऑफ ड्रग्स आती हैं, कई ऐसी ड्रग्स हैं जो नारकोटिक्स हैं, कई हैबिट फॉर्मिंग है, कई एंटीबायोटिक्स हैं, तो कुछ OTC या ऑन दी काउंटर, वो तो ग्रोसरी शॉप पे भी होती है। तो नेचुरली ये नोटिफिकेशन CMO को भेजा गया है कि सहारनपुर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा उसमें, या एंटीबायोटिक या मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आ रही होगी, कंप्लेंट्स आ रही होंगी कि यार फलाना बंदा टीका ला रहा है, IV ड्रिप लगा रहा है, या बहुत थर्ड जनरेशन स्फेलोस्प्रिन या एंटीबायोटिक लगा रहा है। तो नेचुरली उन्होंने कहा कि सभी इलेक्ट्रोपैथी की जांच की जाए जो कि एलोपैथी को यूज करे। ऐसा ही नोटिफिकेशन एक बार पंजाब में आया था, मगर अगर उनके पास एलोपैथी दवा नहीं मिलती और वो सिंपल प्योर इलेक्ट्रोपैथी हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, मगर अगर वो खुलेआम शरेआम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो चिंता का विषय बन जाता है उनके लिए, ठीक है। तो नेचुरली
को एग्री कर रहे हैं, क्रॉसपैथी कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए ये बंदा है, इसका नाम है मान लीजिए गुलफाम, इसकी शादी होती है मान लीजिए हेलन से, अब ये इसके साथ शादीशुदा है, अगर ये इसके साथ है तो नेचुरली है मार्शल नोट में नहीं है, इसका मतलब ये भी एक तरह की क्रॉस पैथी हुई, अडल्ट अडल्ट्रेशन हुई। दोस्तों आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थैंक यू।